हाँ जी, अभी कल का टेस्ट देखते हैं बच्चे। जो कल टेस्ट मैंने भेजा था, दैट वाज निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ गए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, उसमें था कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल पैराग्राफ, ये आपको पता ही है, ततारा व अमीरों का पैराग्राफ था। ठीक है, ततारा के पासा गांव में किसका आयोजन हुआ? आंसर वाज पशु पर्व का। ठीक है, पशु पर्व में प्रदर्शन होता था हृष्ट पुष्ट पशुओं का, युवकों की शक्ति परीक्षा का, उपरोक्त दोनों। फर्स्ट ऑप्शन पशुओं से, होगा। एक मिनट, पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी हृष्ट पुष्ट पशुओं का और युवकों की शक्ति परीक्षा का, उपरोक्त दोनों। सी वाज आंसर। मैम, बट सिर्फ प्रदर्शन तो हष्टपुष्ट पशुओं का हो रहा है ना, उनकी तो प्रदर्शन, प्रतियोगिता हो पशु रही है। पर्व में प्रदर्शन होता था युवकों की शक्ति परीक्षा का भी तो प्रदर्शन होता था। मैम चलो फिर युवकों वही की सी। शक्ति परीक्षा का भी तो देखो उसने क्या लिखा है, पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। तो मेरे हिसाब से तो सी आंसर होना चाहिए, उपरोक्त दोनों। शाम से सभी लोग एकत्रित होने लगे पासा में, गांव में, लपाती में, पासा में। ओके, पासा में मैम नारियल के झुंड के पीछे कौन था? बामीरो। बी वाज आंसर। है ना, अगला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि नहीं करना, पर फिर भी माँ आग बबूला हो गई क्योंकि उसने, माँ आग आग बबूला हो गई क्योंकि उसने तारा और वमीरो को देख लिया। ततारा और ममीरों को देख लिया था। ओके ठीक है, हाँ दोनों को देखकर आग बबूलाई। जबकि ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था, मैंने ये काट दिया था आपको क्योंकि मुझे 20 देने थे आपको। द्विगु समास का उदाहरण है अन्वय, दिन रात, चतुरानन त्रिभुवन। द्विगु बोलिए। मैम त्रिभुवन, त्रिभुवन। त्रिभुवन, वेरी गुड बेटा, फोर्थ वन इज आंसर। ठीक है, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया पैसा, फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन इज आंसर। ओके, आगे है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। सी इज के आंसर, अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अगला। अभी किसने ज्वाइन किया? 10th बी सक्षम। आगे है पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये तो पता ही है, पाप पुण्य द्वंद्व समास। ओके, बी ऑप्शन। आगे है कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा, जो कमाएगा वो खाएगा। जो कमाएगा वह खाएगा। घ इज आंसर, जो कमाएगा वह खाएगा। चार गलत हो गए, ओ माय गॉड। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वह चले गए। इसको क्या करना था संयुक्त वाक्य में, तो मैम इसका कौन सा ऑप्शन? लास्ट हो वन, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। ठीक है, 11th, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आए, वाक्य का मिश्र रूपांतर है। जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए, उपरोक्त कोई नहीं। फर्स्ट वन इज ऑप्शन, ऑप्शन जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, जैसे वैसे मैम वाला। हाँ मैम बोलो। मैम 10th का ख पाठ नहीं हो सकता। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए।
यस मैम ख ही आंसर है बच्चे, सॉरी घ मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि वहां पे तो उसने सेंटेंस ही चेंज कर दिया ना, कार्य किया। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल है, ख है बेटा, ख है बच्चे, ख है। ओके आगे है, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, वाक्य का भेद है ये तो पता ही है मिश्र, है ना। देखो यहाँ भी ऑप्शंस आपकी सरल पहले है, फिर है मिश्र, फिर है संयुक्त, सीक्वेंस यही ठीक रहता है। ओके आगे देखिए, रूहानी, रूहानी एक ही है ना, दूसरी रूहानी नहीं आई, आई है रूहानी, दोनों है रूहानी आज, रूहानी आज दोनों है, शुक्र है रूहानी। हाँ सक्षम, पहले अभी दोनों थे अभी एक ही है, चलिए कोई बात नहीं। गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वह चिंता नहीं करते, पेट काट कर, विद्वान और वीर होकर भी रावण की डैश पड़ गया था कि उसे माता सीता का अपहरण किया, अकल पत्थर पत्थर। तो आगे है, युवकों को डैश पर ही विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाने पर ही विवाह कर देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, जनाब जरा होशियारी से काम ले, ये डैश जाती रहेगी, चार दिन की हुकूमत नहीं होती, कौन सा चार दिन की हुकूमत है ना आंसर, चार दिन की हुकूमत होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने अढ़ाई दिन की हुकूमत कभी नहीं पढ़ा मैम, यस चार दिन की हुकूमत ही होगा, चार दिन की हुकूमत ही होगा, अढ़ाई दिन मैंने कभी नहीं सुना किसी मुहावरे में, ठीक है। आगे है, बस अपनी गलतियां गिनते जाओ दोनों, मजदूर लोग सुबह से शाम तक लगातार काम करते रहे तब जाकर उनके घर में खाना पकता है, मजदूर सुबह से शाम, कौन सा है क्रिया विशेषण, शुक्र है एक चीज तो ठीक है। मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है, मेरी बेटी, संज्ञा पद सेकंड वन, बिल्कुल सही। ओके, सिपाही जख्मी होने के कारण धीरे धीरे चलते हुए, क्रिया पद बिल्कुल, क्रियापद बंद नहीं जी, धीरे धीरे चलते हुए, क्रिया विशेषण, हाँ क्रिया विशेषण। गीता का भाई विदेश में पढ़ाई करता है, गीता का भाई, संज्ञा पद बंद, बिल्कुल सही। तो बस इतना ही था, कितने कितने नंबर, कितने मैम, चतुरानंद का समास विग्रह बताओगे एक बार, चार है आनंद जिसके, चतुरानंद चार है आनंद जिसके, अब चार आनंद किस किस देवी देवता के हैं ये आपको आइडेंटिफाई करवाना होगा, अदरवाइज चार आनंद और नहीं होते कहीं भी, ये मैंने आपको आगे भी शायद बताया था कई बार कि पुराने क्लासेस में बच्चे इसका विग्रह पता कैसे करते थे, चतुर है आनंद जिसका, लेकिन यहाँ पे है चार है आनंद जिसके, वो कोई देवी देवता है जिसका नाम यहाँ कार्तिकेय भी आ सकता है या और भी आ सकते हैं देवी देवता हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी आ सकते हैं, उनके भी चार आनंद हैं। अब मैं, हाँ बोलो बच्चे बोलो मैम, 16th का अढ़ाई दिन की हुकूमत नहीं आएगा, बिकॉज मैंने सर्च किया, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे बच्चे, ठीक है, मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है तो वो आ रहा है कुछ दिन की शैनो शौकत, अढ़ाई दिन का, बट चार दिन की हुकूमत कुछ भी नहीं आ रहा, लेट मी कंफर्म ठीक है, वो कंफर्म करके चेक करूंगी, फिर आज पक्का हो जाएगा वो अढ़ाई होता है या चार होता है, ठीक है। चलिए बिना कंफर्मेशन के मैं कोई आंसर देना नहीं चाहूंगी। अब मेरे पास सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर मैं कोशिश करूंगी अगर आपको फॉरवर्ड कर सकूं तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन डिस्कस करते हैं इसमें से व्याकरण, निम्नलिखित पांच भागों में से किन्हीं चार प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, पेपर में तो ऐसे ही आएगा आपको बोर्ड की तरफ से, हम लोग ऑप्शन नहीं देते आपको, ठीक है। तो ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी,
इस वाक्य में से संज्ञा पद बंद छांटिए। तलवार एक तलवार ततारा की तलवार रहस्य थी, विलक्षण रहस्य, तो बिल्कुल ही क्लियर है बेटे संज्ञा छांटना है तो जो सेंटेंस खत्म होता है तलवार पे वह होगा। ठीक है, तो इसमें होगा ततारा की तलवार। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है इधर उधर, तो ये तो पता ही है क्रिया विशेषण है। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, कर दिया है, रेखांकित पदबंध का प्रकार, ये तो आप भी बता दोगे अपनी सॉरी विनीत, कर दिया है क्रिया। ओके, ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अंडरलाइन है परिश्रम के बाद, इसका भेद क्या होगा? क्रिया विशेषण, सही। ठीक है, के कारण, के बाद, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो क्रिया विशेषण में आते हैं। ओके, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है, नेक और मददगार, पता ही है ये तो विशेषण है, विशेषण नेक और मददगार विशेषण है। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है मिश्र, मिश्रित वाक्य। यहाँ ऑप्शंस चार हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित, विधानवाचक। ठीक है, तो मिश्र आगे है। विधानवाचक तो बेटे उधर होते हैं सेंटेंसेस, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, तो इसमें नहीं है, यहाँ सिर्फ तीन ही है, सरल, संयुक्त, मिश्र। ओके, वमीरों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा, क्या बनाओगे बताओ? वमीरों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। नो मैम। यस, वमीरों सचेत होकर, कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं है, देखिए यहां पे जो लिखे हुए हैं, जैसे ही वमीरों सचेत हुई, ये तो सरल नहीं है। ठीक है, वमीरों कुछ सचेत हुई और, ये भी सरल नहीं है। वमीरों कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी, ये सरल है। सचेत वमीरों हुई तथा घर की तरफ दौड़ी, तो थर्ड वन इज। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है, मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। मेरे रहते तुम बेराह ना चल पाओगे, सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन बेटा, माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। और वाला तो संयुक्त होता है ना, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, सरल में बदलो, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, सूर्य के निकलने पर प्रकाश हो गया। यहाँ पे अब मैं, हाँ तो ये आपका ख ऑप्शन है बीच में। ठीक है, जैसे ही सूर्य निकला, ये तो सरल नहीं है। हाँ, जब सूर्य निकला तब प्रकाश हो गया, सरल नहीं है। सूर्य निकला अतएव प्रकाश हो गया, ये कौन सा है? ये संयुक्त है, अतएव मीन्स और। हाँ, और लास्ट है हमारा एक ऑप्शन, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ये सरल सरल। एक जमाना था कि लोग 18वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य है कौन सा? एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। की मैम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जब मैंने कल भी लिखे थे यहाँ पे तब भी मैंने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में एक खास चीज होती है, वो होता है की हमेशा मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है बच्चे, आगे है गुरु दक्षिणा शब्द का सही समास विग्रह चयन कीजिए।
गुरु दक्षिणा है तो ये तत्पुरुष है, चारों वेदों में तत्पुरुष लिखा हुआ है उसने, ठीक है, लेकिन उसका विग्रह देखना है कौन सा है, गुरु से दक्षिणा, गुरु का दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ओके, जेब के लिए खर्च, ओके। यथा समय शब्द का समास का उदाहरण है, यथा समय कौन सा होगा, बिना समय अव्ययी, समय के अव्ययीभाव, क्या हुआ बेटिया, क्या क्या बोले आप, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, बिल्कुल सही बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी और तत्पुरुष, ठीक है, आपका अव्ययी। अष्टाध्यायी, ध्यान से सुनना, अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अब मैं बताती हूं कौन कौन सा है, यहाँ पे द्विगुक लिखा हुआ है, द्वंद्व लिखा हुआ है, तत्पुरुष लिखा हुआ है, बहुव्रीहि लिखा हुआ है, आधा बता रही हूं मैं, बाकी आधा बाद में बताती हूँ, इसका विग्रह भी उसने किया हुआ है। वर्ड है अष्टाध्यायी, अष्ट काउंटिंग आ गई आपके हिसाब से तो द्विगु हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ रही हूं इनके विग्रह तभी पता चलेगा, विनीत के हिसाब से द्विगु होना चाहिए अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार, समाहार समूह ही होता है, ठीक है, द्विगु, आठ है जो अध्याय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में पहले तो जो होता ही नहीं है ना, ओके, अष्ट और अध्याय, द्वंद्व ये तो नहीं है, अष्ट के अध्याय ये भी नहीं है, तो फर्स्ट वन इज आंसर, आठ अध्यायों का समाहार, ओके, अष्ट अध्याय, अध्याय होते लेसन्स, आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद है, आशा को लांग कर गया हुआ का समास है, यानी वन वर्ड फॉर दैट, आशा लांग, आशातीत, आशावान, आशागत, आशा लांग, आशावान, आशावान, सेकंड वन, आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ, अतीत हो गया जिसके लिए आशा, आशातीत, आशातीत, सेकंड वन इज आंसर, लांग, अतीत पास हो चुका है, आशा को लांग कर गया हुआ, आशा प्लस अतीत की संधि है, देखो आशा लांग कोई वर्ड ही नहीं होता, आशावान होता है, आशागत कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, दो वर्ड रह गए, आशातीत, आशावान, आशावान होता है जिसको अभी आशा हो, लांग के नहीं गया, तो गया हुआ आशातीत, ओके। सज्जन समस्त पद का विग्रह है, सत है जो जन, या सद है जो जन, अगले दो तो सत है जो जन, सज्जन सत है जो जन या सद है जो जन, सत आएगा या सद आएगा, मैम सत आएगा, सद आएगा या सत सत आएगा, सत है जो जन, सेकेंड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन था अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन, ये तो दोनों आएंगे ही, ठीक है, अगे बा कायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चरण की चयन कीजिए, बा कायदा, बा आता किसमें है पहले, ये कौन सा है, अव्ययी, ओके, अब इसने क्या किया, तीन अव्ययी दे दिए, एक तत्पुरुष दिया है, तत्पुरुष वाला तो जिंदा काटा हो गया, अव्ययी है तीन, अब तीनों के अव्ययी के मैं वो पढ़ती हूँ, विग्रह किए हुए कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, मैम कायदे के बिना अनुसार, अब यही है ना, वाला होता है शक्ति के अनुसार, कायदे के अनुसार, अब बताओ क्लासेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सुनना बहुत जरूरी है टीचर को बच्चे, बहुत जरूरी है, ताकि हम दोबारा गलती ना करें, कि आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ समास ही है, सिर्फ मुहावरे ही है, चल ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हाँ ओके, निम्नलिखित पांच में से चार के उत्तर दीजिए,
अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है, ये तो पता है आपको लेसन में, अंधे के हाथ बटेर लगना क्या होगा? कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त होना। लेकिन भाग्य से, अंधे के हाथ बटेर लगना, किस्मत से कुछ अच्छी चीज मिल जाना। अब देखते हैं नीचे भाग्य को, भाग्य वस्तु प्राप्त होने ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा भाग्य, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है ना। दूसरा है अच्छी वस्तु प्राप्त होना, हो सकता है पर किस्मत नहीं आया बीच में। भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना, सी ऑप्शन। ओके भाग्यवश। हाँ, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश फर्स्ट बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, सुरक्षा लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है कुछ ना करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर का पानी भर देना, लंबी चौड़ी बातें करना। सेकंड, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। हु स्किप्ड, कौन चला गया? निष्ठा देख के बताई कौन गया, किसने मुझे हैप्पी टीचर्स डे कहा? कौन गया? मैम प्राची। प्राची, वेरी गुड 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 गुड, बड़ा मजा आता है आप लोग इस तरह करते हो ना। वैसे सक्षम का देखो माइक नहीं चल रहा, सक्षम 10th B ने उसका कैमरा है वो भी क्रॉस है, माइक है ही नहीं, यानी उसने बंद किया हुआ है, वो सुन नहीं रहा मुझे। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे है कि मेरी प्रेजेंट लग जाए। ओके, कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो डैश जमीन पर पाँव ना रखना, दीवार खड़ी करना, नाम निशान मिटाना, आटे दाल का भाव मालूम होगा, आटे दाल का भाव मालूम आटे दाल का भाव मालूम। बस थोड़े से इश्य रह गए। आगे है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते डैश दीन दुनिया से गया, शब्द चाट डाला, दांतों पसीना आ गया, डेरा डाल दिया, दांतों पसीना आ गया मतलब कठिनाई का अनुभव होना, दांतों पसीना आना। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो भाग लगास्यो, नित्य दर्शन पास्यो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सिमरन पास्यो करजी, भाव भक्त जागीरी पासियों, तीनों बातें सर से। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है? उसकी पीड़ा दूर करने की, सेविका के रूप में स्वीकार करने की, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने की, उन्हें अपने पास रखने की, उसकी पीड़ा दूर करने की? बेटे नहीं जी, सेविका के रूप में, सेविका के रूप में स्वीकार करने की। माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी। ओके, सेविका के रूप में स्वीकार करने की। कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है? चाकर रहस्यू बाग लगासी हूँ, नित्य दर्शन पास में। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या है। बाग सजाना, दर्शन करना, गीत गाना, प्रशंसा के गीत गाना और गोकुल में रहना, रोज उठकर उनके दर्शन करना और रोना, उनकी याद में रोना, दर्शन करना, गीत गाना। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, बाग लगाना, दर्शन करना और गीत गाना। ठीक है, रोना तो वो कभी चाहती नहीं। मीरा वृंदावन की गली में कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण का गुणगान करना चाहती है, कृष्ण को उलाहना देना चाहती है, कृष्ण की प्रतीक्षा करना चाहती है। लेकिन कृष्ण का गुणगान करना चाहती है। कौन, क्या, उलाहना देना करना चाहती है। मन की कुंज गली में गोविंद लीला गासियों, यानी कृष्ण का गुणगान करना चाहती है। क्या गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो, ऐसे कैसे ना। ओके, कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है? मैं ऊपर जा रही हूँ, भाव भक्ति जगीरी पासी हूं। ठीक है, तो क्या है? सुख और वैभव के समान, मान सम्मान के समान, धन दौलत के समान, धन और सम्मान के समान।
सुख और वैभव के समान। ठीक है, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में दो रोशनदान थे। लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? घर में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, कबूतरों ने दोनों अंडे टूट गए थे, कबूतर अंडों को छोड़कर चले गए थे, बिल्ली अंडों को खा गई थी। दोनों अंडे टूट गए थे, एक बिल्ली ने तोड़ दिया था, एक माँ से टूट गया था। सेकेंड इज द ऑप्शन, लेखक की माँ खुदा से किस गुनाह को माफ कराना चाहती थी? पहला अंडा तोड़ने का गुनाह, बिल्ली को मारने का गुनाह, दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह, कबूतर का घोंसला तोड़ने का गुनाह। सी ऑप्शन, दूसरा। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखक की माँ अत्यधिक कौन थी? संवेदनशील, स्वार्थी, कमजोर, डरपोक? संवेदनशील। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना? सिंपल वर्ड है जिसके पीछे कोई वर्ड नहीं लगा हुआ। गुनाह, परेशानी, रोशनदान, दिन भर। किसमें सरफिक्स नहीं है? गुनाह, परेशानी, परेशानी में है ई, परेशान जमा ई। रोशनदान, रोशनदान में है, रोशन प्लस दान। दिन भर में है, दिन और भर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गुनाह। ठीक है, माँ की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि कबूतर का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था, लेखक की पत्नी ने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था, कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था। लेकिन एक बार दोबारा जाना चाहूंगी मैं, माँ की आंखों में आंसू, आंसू, एक मिनट मैं लाइन पढ़ना चाहूंगी। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, गलत हो गया ना? ठीक है, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, जैसे अभी मैं फंस गई, तो मैं ऊपर पैराग्राफ को देखने चली गई। ठीक है, ऑप्शंस दोबारा सुनो। माँ की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि कबूतर का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, नो। कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था, ये हो सकता है। लेखक की पत्नी ने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था, नो। कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी, यस। अब इन दोनों में से चुनना है, तो मैं ऊपर गई और मुझे लगा कबूतर की आंखों का दुख देखकर वह व्यथित हो गई थी। ठीक है, इतना इस बात का ध्यान रखना है। आगे है, वह अमीरों का रुदन स्वर सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। ठीक है, पैराग्राफ आपको पता चल गया, लास्ट वाला है ना, जहाँ लास्ट में रोना उसका सुन के माँ आई तो ततारा ने शक्ति भर तलवार गाड़ दी थी। गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाजें क्यों उठा रहे थे? वह ततारा को अपमानित करना चाहते थे? वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे? गांव की रीति के विरोध में थे? ततारा को पशु पर में शामिल नहीं करना चाहते थे? बी ऑप्शन, वह गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे। नो डाउट उन्होंने बुलाया था ततारा को उस पशु पर वो परंपरा नहीं तोड़ना चाहते थे। ठीक है, ततारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? वमीरों की माँ को बुरा भला सुनाया, नो। सब गांव के विरोध में आवाज उठाई, नो। अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार किया, नो। अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया, यस। वमीरों की माँ के गुस्से का कारण क्या था? गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वमीरों का रोना, ततारा का तलवार खींचना? गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वमीरों का रोना, ततारा का तलवार खींचना? मैं ऊपर जा रही हूं। माँ के गुस्से का कारण, दोनों को देखकर आग बबूला उठी। पहली लाइन है, वमीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला उठी। सारे गांव की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। ओके, अब दोबारा, गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वमीरों का रोना, गुस्से का कारण, गांव वालों का विरोध। ठीक है, यस मैम, गांव वालों का विरोध ही है। ठीक है बच्चे, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है विलक्षण दैवीय तलवार को देखने लग गए थे, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे, जानते थे कि द्वीप दो भागों में बट जाएगा, ततारा वमीरों के विवाह के लिए सहमत हो गए थे। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। मैं फिर ऊपर जा रही हूँ, लाइन देखूंगी। देखिए,
मैं देख रही हूँ कहाँ है लोग सहम गए। हाँ, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने, ओके क्वेश्चन दोबारा, लोग सहम उठे एक सन्नाटा सा खिंच गया, क्यों? किसी भावी दुष्ट की आकांक्षा से ग्रसित थे। सेकंड वन इज आंसर, विलक्षण दैवीय तलवार को देखने के लिए भी नहीं, जानते थे कि द्वीप दो हिस्सों में बट जाएगा ये भी नहीं, ततारा विमोह वीरों के विवाह के लिए सहमत हो गए, नो, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से, है ना, सोचने लगे कि अब कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट वाला भी हो सकता है क्योंकि विलक्षण दैवीय तलवार को देखने लग गए, सहमे थोड़ा, फिर अगर कुछ हम अजीब चीज देखते हैं तो सहम नहीं जाते बेटा, फिर हम उसे क्यूरियोसिटी से देखते हैं, ठीक है मैम। वो उसने क्रोध में तलवार निकाली थी तो तलवार को देख के लोग सहम गए थे। नहीं बच्चे, नहीं, एक बार दोबारा जा रही हूँ मैं ऊपर, एक बार दोबारा जा रही हूँ। वमीरों का दुख उसे और गहरा रहा था, उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए, अनायास उसका हाथ तलवार के मुंह पर जा टिका, क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, लोग सहम उठे, सन्नाटा छा गया। उसका क्रोध बढ़ता रहा इसलिए लोग सहम उठे, यानी लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे है, लास्ट है मेरा ख्याल। अब प्रस्तुत गन्यास में किस घटना का वर्णन किया गया है? वामीरों की त्यागमयी मृत्यु का, निकोबार द्वीप के दो भागों में बंटने का, ततारा वामीरों की प्रथम मुलाकात का, ततारा के आत्मीय स्वभाव का? निकोबार का दो भागों, निकोबार द्वीप समूह के दो भागों में बटने का। बेटे नियर अबाउट टाइम भी हो गया है, नियर अबाउट क्यों, आज ऊपर हो गया टाइम, है ना, तो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग, ऑल द बेस्ट। मैं ये वाला सैंपल पेपर आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, जो नहीं आए आपको तो ब्लेसिंग्स है ही है, जो नहीं आए उनके लिए ज्यादा ब्लेसिंग, जो चला गया एक बिना बताए उसके लिए और ज्यादा ब्लेसिंग। हाँ, ब्लेसिंग लेने को भी नहीं दिल करता कि हम ब्लेसिंग्स ले लें, इतनी जल्दी है छोड़ने की। ओके कौन गया था, दक्षिता देखना, निष्ठा देखना, नहीं नहीं प्राचीनी अभी भी, और कोई लेफ्ट कर गया एक, चलिए ऑल।